वन्दिप्रवसिद्धे भुवमचलमणोमवं गतिं पाते वोचामि समयपाहुडु मिणेमो सुदकेवलीभणितम्। समय सार परमागम में हमारा जो है विगत काफी समय से सात तत्व कहो या नौ तत्व कहो उनके बारे में गहन विवेचन चल रहा है, और साथ की साथ हम उन तत्वों से अपने आत्मा को जो है एकदम किस प्रकार भेद विज्ञान की कला है वो सीख रहे हैं। ये बंद तत्व में भी भेद विज्ञान ही है। किस बात से भेद विज्ञान है? परद्रव्य से, परभावों से। जितने भी परभाव हैं, परद्रव्य हैं, और परद्रव्य की जितने भी क्रियाएं हैं उन सब से बंद होता है ये मानना भी मिथ्या। लो, थोड़ी सी आज थोड़ी अटपटी बात लगी होगी, फिर से बोलता हूँ, परद्रव्य की क्रिया से है, परभावों से, मतलब कहने का अर्थ वो क्रिया परद्रव्य से यदि ये काम होने लगे आत्मा के साथ बंद, तब तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा। ये बात पिछले निर्जराधिकार में आई थी कि यदि ज्ञानी परद्रव्य का भोग भोगता है और उसे कर्म बंधता है तो इसका मतलब परद्रव्य तो कर्म बांधने के लिए मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। तो कह रहे कि ऐसा होता नहीं है। हर क्रिया अपनी अपनी योग्यता से होती है, अपने स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल से होती है। प्रत्येक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है, कब करेगा कैसे करेगा वो सब अपने ही ऊपर है, उसका परद्रव्य के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये परद्रव्य है, जैसे मान लीजिए मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, उससे मुझे शुभ कर्म बंधे, और मैं जीवों की रक्षा नहीं करता हूँ, घात करता हूँ, तो उससे मुझे हिंसा का पाप लगता हो, तो ये बात भी देखा जाए तो मिथ्या अधिवसाय है। ऐसा जो है यहाँ पर सिद्ध करेंगे। वो कैसा सिद्ध करेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपन जो गाथा है 247 से लेकर 252 तक की गाथाएं हैं, 6 गाथाएं इकट्ठी है, वो पढ़ते हैं। जो मन्न दिहिंसामिय हिंसि जामिय परे हि सति हिम सो मूढो अन्नानी नानी इत्ते दुविवरीदो ना उखयेन मरणम जीवाणम जन वरे हिंपर्णतम आउ मण हरे सि तुम कह ते मरणम कदम ते सिम आउ खेण मरणम जीवाणम जिन वरे हिंपर्णतम आउ मण हरन्ति तुहम कह ते मरणम कदम ते हिम जो मन्नदि जीवे मिया जीवि जामिय परे हि सते हिम सो मूढो अन्नानी नानी इत्ते दुविवरीदो आउदयेन जीवति जीवो एवं भणन्ति सवणः आउं चण देशि तुमम। यही है ना, कौन सी ये गाथा? आउम न हरन्ति जो मन्नदि, नहीं आउम गाथा ऊपर नीचे है कुछ, जो मन्नदि जीवे मिया जीवि जामिय परे हि सते हिम सो मूढो वन्नानि नानि इत्तो दुविवरीदो आउदयेन जीवति जीवो एवं भणन्ति सवणहो आउं चण देशि तुमं कहते जैविदं कदं तेसिं आउदयेन जीवति जीवो एवं भणन्ति सवणहो आउं चण दन्ति तुहं कहणते जीविदं कदं तेहिं। 6 गाथाएं हैं। ये 6 गाथाएं क्या कहती है? बड़ी गजब की बात कहती है। सारा डर खत्म कर देती है, हमारा सारा भय दूर कर देती है। और अकेली यही 6 गाथा नहीं, इसके आगे आने वाली जो 4 गाथाएं हैं वो भी, 6 गाथा ये और इसके आगे वाली 4 गाथाएं, कुल मिलाकर के 10 गाथाएं ऐसी आने वाली हैं
जिन पर यदि पूरा श्रद्धान है, दृढ़ता से एकदम पक्का मजबूती से श्रद्धान है, तो बहुत कुछ जीवन में फर्क पड़ता है। सारा डर निकल जाता है, भय निकल जाती है, आशा निकल जाती है। हम किसी के प्रति उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, अपेक्षा करते हैं। ये सारी चीजें जो है बहुत जीवन में संतुलित हो जाती है। इनमें ये कह रहे हैं कि जो ये मानता है, देखो, जो मन्नदी यानी मानता है, हिंसामी मैं हिंसा करता हूं, और हिंसित जामी परे हिम सत्ये हिम, परे यानी दूसरे, तृतीय व्यक्ति है, तृतीय यानी दूसरों के द्वारा, सत्य माने जीव, दूसरे जीवों के द्वारा हिंसित जामी यानी मेरी हिंसा होती है। दूसरे जीव मेरी हिंसा कर सकते हैं, मैं दूसरे जीवों की हिंसा करता हूं। ये पहली लाइन के दो सेंटेंस बन गए, दो बातें आ गई कि जो ये मानता है कि मैं हिंसा करता हूं, कर सकता हूं, और या फिर ये मानता है कि दूसरे जीव मेरी हिंसा करते हैं अथवा कर सकते हैं। सो मूढ़ो अज्ञानी, सो यानी वह मूढ़ है, अज्ञानी है, नानी एतोद विपरीत हो, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। ज्ञानी इससे विपरीत होता है का मतलब है कि ज्ञानी ये मानता है कि ना तो मैं किसी की हिंसा कर सकता हूं और ना ही कोई मेरी हिंसा कर सकता है। इस बात पर ज्ञानी को दृढ़ श्रद्धान है। दूसरी बात देखो, अब इसका लॉजिक देंगे, क्यों क्यों नहीं कर सकते हम हिंसा, तो उसका रीजन है, आवुक्खयेण मरणम, तुम कैसे मार सकते हो, क्योंकि मरण तो आयुक्खयेण यानी आयु के क्षय से होता है। अच्छा, कोई भी जीव ऐसे ही मर जाता है, अस्त्र शस्त्र से मरता है कि आयु के क्षय होने से मरता है? देखो क्या लॉजिक है। यदि कोई मान लो, अच्छा किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, कोई आग से जल के मर गया, कोई जहर खा के मर गया, तो जहर खाना, अग्नि, पानी में डूब के मरना, ये सब कारण असली कारण है या आयु का क्षय होना असली कारण? ये सब निमित्त कारण है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। यही सेंटेंस में बोलने वाला था, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। ये सब निमित्त कारण हो सकते हैं, लेकिन उपादान कारण वास्तव में आयु का क्षय है। बिल्कुल सही कहा। तो आवुक्खयेण मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है जीवाणम यानी जीवों का। जिनवरे हिम पण्णतम, ऐसा जिनवर देवों ने प्रणीत है, उन्होंने कहा है। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, हमारी बात नहीं, कौन कह रहा है? ये आचार्य कुंद कह रहे हैं। आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि ये मेरी बात है, ये मत समझना ये जिनेन्द्र देव की बात है। ये जो सेंटेंस में ये सब जोड़ा है ना, जिनवरे हिम पण्णतम, ये इस बात के लिए जोड़ा है, इस बात को आप हल्के फुल्के में मत ले लेना, बहुत गंभीर बात है। तीर्थंकर परमात्मा 100 इंद्रों की हाजिरी में डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं कि आयु के क्षय होने से मरण होता है, और वो आयु तुम हर सकते हो, किसी की ले सकते हो, चुरा सकते हो थोड़ी सी। यदि थोड़ी सी भी आप हर सकते हो, तब तो हम मान लेंगे कि तुम दूसरे जीवों की हिंसा कर सकते हो। देखो क्या गजब की बात। ये जो है बहुत सरलतम गाथाएं हैं, एकदम सरलतम गाथाएं हैं, और जितनी सरलतम है उतनी ही ज्यादा समझने योग्य है, चिंतन योग्य है, और इनको जितना ज्यादा गहराई से हम जीवन में उतार लेते हैं, उतना ही जो है भय, चिंता, निराशा, आशा, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती, सारे इमोशन कंट्रोल हो जाते। ऐसी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, आयु खयेण मरणम जीवाणम जिन वरे हिम पण्णतम, ऐसा जिनेन्द्र देवों ने कहा है, आवुम न हरेसी तवम, और तुम तो आयु को हर नहीं सकते, आयु को हर नहीं सकती, कहे यानी कैसे, ते मरणम कदम ते, वे कैसे मरण कर सकते हैं, तुम उनको कैसे मार सकते हो, कैसे हिंसा कर सकते हो, क्योंकि तुम आयु हरने वाले कौन हो, तुम आयु को हर ही नहीं सकते, तुम्हें कर्म दिखता ही नहीं है, कर्म बहुत सूक्ष्म है, और उस आयु कर्म को तुम कैसे कम करोगे, आयु कर्म तुम कम कर नहीं सकते, इसलिए वो मारना तुम्हारे हाथ में नहीं। अब कहेंगे कि दूसरे जीव तुमको मार डालें, इसकी भी चिंता मत करो, क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं है तुम्हारी आयु छीनना। ये बात अगली गाथा में कह रहे हैं। आयु खयेण मरणम, ये वाली लाइन और बिल्कुल सेम है। आयु खयेण मरणम, आयु के क्षय होने से मरण होता है जीवाणम मतलब जीवों का, ऐसा जिनेन्द्र देवों ने कहा है। आयुम न हरंति तुहम, और तुम्हारी भी आयु
का हरण कोई नहीं कर सकता है तो कहे यानी कैसे, मरणम मरण कदम तेहिम, दूसरों के द्वारा तुम्हारा मरण कैसे हो सकता है, दूसरे जीव तुम्हारा मरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भी तुम्हारी आयु नहीं ले सकते और ना ही तुम दूसरों की आयु ले सकते हो, तो ना तो तुम हिंसा कर सकते हो ना ही दूसरा तुम्हारी हिंसा कर सकते। अब बताओ यदि तुम्हें ये डर हो कि कोई हमें मार डालेगा तो डर खत्म कर दो, और तुम किसी को मार डालोगे तुम अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि नहीं मैं बहुत ऊंचा आदमी हूं, मैं से कर दूंगा वो कर दूंगा, तो तुम इस चीज को भी दिमाग से निकाल लो, ना तो तुम किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो ना कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता। इससे अगली जो गाथाएं आएंगी वो गाथाएं और ये गाथाएं सबकी एक साथ जबरदस्त व्याख्याएं आगे इसमें लिखी हुई है, एकदम सरल है, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि वे गाथाएं भी एकदम मिलती जुलती है। इसके अगली गाथाओं में ये कहा जा रहा है कि तुम ना तो किसी को सुखी कर सकते हो और ना किसी को दुखी कर सकते हो, और ना ही कोई तुम्हें सुखी कर सकता है और ना ही कोई तुम्हें दुखी कर सकता है। सुखी दुखी करना भी हमारे हाथ में नहीं है और ना ही किसी दूसरे के हाथ में है, सुखी दुखी भी हम सब अपने अपने कर्मों से होते हैं। इस कर्म सिद्धांत पर पूरा पक्का भरोसा जब हो जाएगा तो जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये जोरदार बात यहाँ कह रहे हैं। देखो एक ही लाइन को दो बार कहने का मतलब है, और दोनों बार ये लिखा कि ये जिनवर देवों ने बात कही है, इसका मतलब है कि ये बात में कुछ गंभीरता है, दृढ़ता है, हल्के में नहीं लेना है। ये कह रहे हैं कि ना तो कोई तुम्हें मार सकता है ना तुम किसी को मार सकते हो, एक बात तो ये हुई। अब तीन गाथाएं हो गई, अब तीन गाथाएं इसके अपोजिट वाली देखो। जो मन्नति जीवेमी, जो ये मानता है कि मैं दूसरे जीवों को जिवाता हूं, जिलाता हूं, बचाता हूं, ऐसा समझ लीजिए आप, है मारने का अपोजिट क्या होता है, जिलाना। किसी दूसरे जीवों को मैं जिलाता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। अच्छा देखो हम क्या सोचते हैं कि मैं सावधानी से चला तो जीवों की रक्षा की मैंने, अरे रक्षा करने वाले हम कौन होते हैं, क्या हम आयु दे सकते हैं। अच्छा देखो आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत जीव थे और मैं देख देख करके चला था, मेरे पैर पड़ने से वो बच गए, पैर नहीं पड़ा इसलिए वो बच गए। अच्छा आपके पैर ना पड़ने से बच गए या उनकी आयु अभी बाकी थी इसलिए बच गए, मतलब मूल मूल बिंदु है ना, जो मूल उसको डायरेक्ट पकड़ा उन्होंने, उन्होंने कहा आपकी रक्षा करने से बच गए, ऐसी भूल में मत रहिए, वो तो उनकी आयु शेष थी इसलिए बच गए। और हम सब क्या सोचते हैं, अरे मैंने देखो जीवों की रक्षा की थी, यही मिथ्या। देखो ये बात को जरा गंभीरता सोचो, एक पॉइंट की तरफ इशारा करो, हम ये सोच रहे हैं कि मैंने सावधानी पूर्वक चला, सावधानी पूर्वक भोजन किया, सावधानी पूर्वक चीजें उठाई रखी, सावधानी पूर्वक ताकि कोई जीव की हिंसा ना हो, तो मुझे बहुत पुण्य मिल गया होगा, ठीक है ना। जरा बहुत काम की बात है, जरा धीरे बोलता हूं मैं, बहुत शांति से बोलता हूं, तसल्ली से सुनिएगा। हमें क्या लगता है कि मेरे बैलेंस, मेरे आत्मा में जो बैलेंस है उसमें पुण्य कर्म बढ़ गया है, क्योंकि मैंने जीवों की रक्षा की, पुण्य भाव किया, तो मेरे पुण्य बन गया, ठीक है। जितनी मात्रा में पुण्य बना ना उससे ज्यादा मात्रा में पाप बन गया, क्यों, क्योंकि हमने मान्यता में ये रखा कि मैं जीवों को बचा सकता हूं, और ये मान्यता क्या है, मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। क्या बात है, फिर से देखो, हमने जीवों की रक्षा करके जो पुण्य अर्जित करना चाहिए वो पुण्य अर्जित कर लिया मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा गहरा मोटा पाप मिथ्यात्व का पाप वो भी साथ में अर्जित कर लिया, और वो इतना बड़ा पाप है कि जिसके सामने जो पुण्य कमाया था वो तो बहुत छोटा था। वही बात कितनी बारीक बात है, हमको सिर्फ ज्ञान में जान लेना है, करना कुछ नहीं है, जैसी जिंदगी पहले जी रहे थे ना वैसी जीना है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ ज्ञान में ये समझ लेना है कि अरे जीवों की रक्षा करने वाला मैं कौन होता हूं। जिस दिन ये समझ में आई ये मिथ्या तो निकलेगा, और नहीं तो ये अरे मैं जीवों को बचा, मिथ्यात्व है, अरे हम कौन होते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं, गजब की बात बता रहे, ये बहुत गजब की बात है। ये गाथा बहुत सरल है एकदम, लेकिन जितनी सरल है ना उतनी ज्यादा सोचने योग्य है, गहराई की बात है इनमें थोड़ी, और वो आगे आई गहराई की बात है। देखो जो मन नदी, हाँ कुछ कहना हो तो कह, ये बीच में भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये इसमें
मेन तो कि कर्ता भाव निकल जाता है ना, कि मैं मारने वाला भी कौन हूं और बचाने वाला कौन हूं। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, कर्ता भाव निकालना है, बहुत बढ़िया बात कही। दरअसल क्या होता है कि हम जीवों की रक्षा करें वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, करो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत मानो कि मैं जीवों की रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि कर बराबर सकता हूँ तो मैं कर्ता भाव आ गया, कर्ता भाव आ गया। देखो कई बार क्या होता है, हम तो बहुत चाहते हैं जीवों की रक्षा करें और बहुत सावधानी से चलते हैं, लेकिन जीवों की इतनी संख्या रहती है कि कितना भी देख के चलो तो भी पैर पड़ ही जाता है और जीव मर ही जाते हैं। तो बताओ अब हमारे हाथ में क्या जीवों की रक्षा, हम तो खूब बचाना चाहते हैं लेकिन फिर भी मर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जीव अपने अपने आयु क्रम से जीते हैं, अपने अपने आयु क्रम से मरते हैं, है ना। बराबर। एक बात और बताऊं, आप ये कह सकते हैं कि फिर ये शास्त्रों में ऐसा उपदेश क्यों देते हैं कि तुम जीवों की रक्षा करो, तुम पानी छान कर पियो, इतने जीव मरते हैं। अरे जीव मरते हैं तो अपनी आयु से मरेंगे, तुम ऐसा उपदेश क्यों देते हो। अच्छा तुम आलू मत खाओ ऐसा जो हमसे कहते हो, तो आलू खाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि आलू में जो जीव है। देखो एक बार एक विद्वान से पूछा किसी ने कि पंडित जी ये आलू में जो जीव होते हैं ये जीवों की उम्र कितनी होती है, कितनी आयु के होते हैं ये। तो उनका बहुत कम आयु होती है, एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते हैं, इतनी कम आयु होती है। तो वो आदमी ने बोला अरे तब तो अच्छा है, तब तो अच्छा आलू खाने में फिर तो कोई दोष होना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जीव तो अपनी आयु से खुद ही मरने वाले हैं, मेरे खाने से थोड़ी मर रहे, वो तो अपने आप ही मर जाएंगे क्योंकि इतनी सी आयु है उनके, फटाक से पूरी हो जाएगी। समझ में आई बात। देखो तर्क और कुतर्क में यही फर्क है ना। वो जीव भले ही अपनी आयु से मर रहे हैं, लेकिन मैंने जो उसको खाने का भाव किया वो राग भाव है ना, उसकी वजह से आलू छोड़ना है। आज तक ये लॉजिक शायद पता नहीं होगा बहुत लोगों को। हम आलू, देखो आपने 80% 90% लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि आलू इसलिए नहीं खाना कि जीव हिंसा होती, आलू में जीव है इसलिए नहीं खाना, लेकिन आज ये बात नहीं कहूंगा मैं। आज दूसरी बात है, आलू जीव हिंसा से बचाने के लिए आयु नहीं, आलू नहीं खाना ऐसी बात नहीं, बल्कि आलू खाने में राग भाव का दोष है, जीव हिंसा का दोष नहीं। जीव हिंसा तो होने वाली है, वैसे भी होने वाली है, समझ में आई बात। यानी कि क्या राग भाव है जरा उस वो भी देख लीजिए, क्या राग भाव। जैसे मान लीजिए कोई वही वही विद्वान से वापस, विद्वान ने कुछ सोच समझ के उसी आदमी को पूछा कि अच्छा ये बताओ आलू खाने से तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि जीव अपने आयु से ही मर रहे हैं, तो तुम उनको खाना चाहते हो, तो ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि इतने लोग दुनिया में मरते हैं ठीक है, और इनको जलाते खाओ तुम कि वो शमशान में ले जाके जलाते, कि अच्छा तुम अपने घर में क्यों नहीं जलाते हो, अपने घर में जला सकते हो, तो कैसी बात करते हो, अपने घर में कौन जलाएगा, वो तो दूसरी जगह जलाए जाते हैं। तो पंडित जी ने कहा देखो जब वे जीव अपनी आयु से खुद ही मरते हैं तो तुम उनको अपने पेट में जगह क्यों देते हो, इतनी सारी लाशें हैं एक प्रकार की, इतनी सारी लाशें हैं, मुर्दा हैं, डेड बॉडी हैं, तो इतने सारे जीवों को तुम अपने पेट में जगह क्यों दे रहे हो, और इतना सब जानते हुए भी तुम जगह दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें तीव्र राग है उसके प्रति, उसके स्वाद के प्रति, उसकी लालसा है और उसका पाप है। दरअसल क्या है, जीव हिंसा हमने बहुत स्थूल बात पकड़ी है कि जीव हिंसा से बचो, जीव हिंसा मत करो, ये तो कुछ भी नहीं है। है एक और भी बात बताऊं, अभी गाथाएं की बाकी है शब्दार्थ, लेकिन थोड़ा बीच बीच में बताता हूँ, जो जो पूरे कर लेंगे इसके बेस पर। तो क्या बात चल रही कि जब ये उपदेश ही क्यों दिया जाता है शास्त्रों में कि तुम जीवों की रक्षा करो, देख देख के चलो, सावधानी से चलो, पानी छान कर पियो, ये उपदेश क्यों देते हैं जब जीव अपने आयु से ही मरते हैं, तो हमारे मारने से मरते नहीं, हमारे बचाने से बचते नहीं, तो फिर इस उपदेश का मतलब क्या रह जाता है। इसका भी उत्तर है, इसका उत्तर ये है कि जो शास्त्रों में जब भी ये कहा जाता है कि तुम जीवों की रक्षा करो तो वड़ा उसका पाव खा मतलब गया था मुंबई। है, हाँ उसका मतलब है कि तुम जीवों की रक्षा के प्रणाम करो। हालांकि 5 बजे इससे भी ऊंचा मीनिंग है, लेकिन पहले ये वाली स्टेप समझ, पहुंच वाला भी मीनिंग है, ऐसा गया तो तो परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम हमारे हाथ में फाइनल नहीं है। तो लेकिन क्या होता है हमारे कि को हमने बड़ी
वो होस्ट साम म्यूट कर देंगे। क्या हुआ ये कहा जाता है मत करो, इसका मतलब है हिंसा के परिणाम। सर म्यूट कीजिए ना प्लीज, सर म्यूट कीजिए ना प्लीज, म्यूट ऑल। परिणाम मत करो, हिंसा मत करो का मतलब है हिंसा के परिणाम मत करो। जीव रक्षा करो का मतलब जीव रक्षा के परिणाम करो, हालांकि परिणाम करना भी अपने हाथ में नहीं है, वो दूसरी आगे की बात है ना। लेकिन अभी पहली बात तो कम से कम इतना तो निश्चित करो कि मैं जीव हिंसा नहीं कर सकता, जीव हिंसा के परिणाम ही करता हूँ पूरा। मैं ये सोचता हूँ ये आदमी मर जाए, लेकिन वो आदमी मरेगा कब, जब उसकी आयु पूरी होगी तब मरेगा, मेरे सोचे से नहीं मरेगा, ठीक है ना। तो ये सोचना कितना कार्यकारी है, कुछ कार्यकारी कुछ भी नहीं है। हमारे सोचे से कुछ भी नहीं होता है, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते, ऐसी कहावत है सुनी हो तो आपने। कौवे सोचते हैं कि ढोर माने ये पशु मर जाए तो इसका मांस खाने को मुझे मौका मिलेगा, लेकिन उसके सोचने से थोड़ी मरते हैं। तो इस प्रकार से जीव हमारे मारने से नहीं मरते, हमारे बचाने से नहीं बचते, वे तो अपने आयु क्रम से बचते हैं, अपने आयु क्रम से मरते। शिकारी जो है गोली मारता है, तीर चलाता है, बहुत जीव मरते हैं लेकिन कुछ बच भी जाते हैं, है। डॉक्टर कितने लोगों को बचाता है लेकिन कुछ लोग फिर भी मर जाते हैं। तो इसलिए जीवन में मारना बचाना वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है, और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मैं मारता हूँ मैं बचाता हूँ, तो इससे बड़ा कोई मिथ्यात्व ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं हम पुण्य कमा रहे हैं, इधर मिथ्यात्व का पाप कमा रहे हैं। तो यहाँ समय सार में ये भूल मिटाई जा रही है कि आप ठीक है जीव रक्षा करनी है करो, लेकिन कम से कम ये मानना छोड़ दो कि मैं जीव रक्षा करने में समर्थ हूं, मैं कर सकता हूं, करना मेरे हाथ में है, ये बात निकाल है। समझ में आई बात, से ऐसी बात है। देखो अगली गाथा का भावार्थ देखो। सर एक क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट, ये हिंसा में दो एस्पेक्ट है, एक है द्रव्य हिंसा और एक है भाव हिंसा। हाँ। तो द्रव्य हिंसा भी दो तरह की है, एक तरह की वो है जिसमें वी कांट हेल्प इट, जैसे आपने कहा कि चल रहे हैं और कुछ हमारे नीचे आ गया तो आ गया, तो उससे हम लोग को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ द्रव्य हिंसा ऐसे भी रहते हैं जिसके पीछे भाव हिंसा रहती है, इंटेंशन रहता है। बराबर बराबर। तो क्या हमारे लिए बुरा नहीं है, हम जो इंटेंशनली हिंसा करते हैं फिर नहीं बोल सकते ना कि इसका तो आयु खत्म हो गया तो आई कांट हेल्प इट। हाँ 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 बिल्कुल 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 सही, आपने सही सही पूछा, और मैं इसी ओर आने वाला था, बाद में बहुत बाद में आने वाला था, लेकिन आपने अच्छा पूछा। दरअसल क्या है, ये जो आपने प्रश्न पूछा इसमें चार प्रकार की हिंसाएं है ना, वो संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी। तो केवल संकल्पी हिंसा ऐसी है जिसमें इंटेंशन भी रहता है, भाव हिंसा भी साथ में है और द्रव्य हिंसा भी है। द्रव्य हिंसा तो खैर उसके ऊपर है, आयु कर्म के ऊपर, लेकिन उसमें भाव हिंसा भी है साथ में, जबकि इधर आरंभी और ये क्या उद्योगी हिंसा, उद्योगी हाँ, इसमें भी हो सकती है थोड़ी बहुत भाव हिंसा, लेकिन कम है मुकाबले के, बहुत कम है। इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि जो द्रव्य हिंसा है वो इतनी मायने नहीं रखती जितनी की भाव हिंसा मायने रखती, यानी भावों का फल है, क्रिया का फल नहीं है। तुमने जीवों की रक्षा की, उससे पुण्य बंधा, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो पुण्य बंधा है वो किस बात से बंधा है, तुमने जीव रक्षा का परिणाम किया इससे बंधा है, न कि जीव रक्षा से बचा है। फिर से बोल देता हूँ, तुमने जीव रक्षा की इसलिए पुण्य नहीं बंधा, जीव रक्षा के परिणाम किए इसलिए पुण्य बंधा। तुम्हें पाप इसलिए नहीं बंधा कि तुम्हारे पैरों जीव मर गया, लेकिन पाप इसलिए नहीं बंधा कि तुमने लापरवाही की। समझ आई बात, लापरवाही नहीं करते और फिर भी जीव मर जाता तो पाप नहीं बचते, तो पाप से बच जाते आप। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हिंसा अहिंसा है ये सब हमारे भावों के ऊपर है। जैन धर्म में क्रिया का फल नहीं, भावों का फल है। क्यों? यदि क्रिया का फल हो जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए, क्योंकि क्रिया तो पर द्रव्य में होती है और फल हमें लग जाएगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए। पर द्रव्य पंचेंद्रिय विषय भोग पर द्रव्य है, उनको भोगने से यदि आत्मा में कर्म बंधने लग जाए
तब तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाएगा। तो कैसी कैसी बारीक बारीक भूल वो निकाल रहे हैं आचार्य कुंड को, एकदम बारीक बारीक भूल निकाल रहे हैं। है भगवान महावीर ने कहा, क्या कहा, ऐसा उपदेश देते ना महावीर का शुभ संदेश, जियो और जीने दो। तो यहाँ कह रहे कि जियो और जीने दो की तो बात जाने दो, है तुम जिला नहीं सकते, बचा नहीं सकते, है ये सिर्फ भाव कर सकते हो। जो मन नदी जीवे मीये, कि मैं जिलाता हूँ और जीवित जामी परहिम सत्यहिम, और दूसरे जीवों के द्वारा मैं जिलाया जाता हूँ, बचाया जाता हूँ, दूसरे जीव मुझे बचा लेते हैं, मेरे पे रक्षा करते हैं दूसरे जीव, ऐसा ऐसा सोच। सुमूढ़ो अन्नानी, वो मूढ़ है अज्ञानी है, नानी ये तो दु विपरीतो, ज्ञानी तो इससे विपरीत होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं मानता। वो ये मानता है कि कोई मुझे क्या बचाएगा, मेरा आयु कर्म मुझे बचाता, कोई मुझे क्या मारेगा, मेरा आयु कर्म जिस दिन पूरा होगा बचाने वाले सब रह जाएंगे। श्री कृष्ण अर्धचक्री थे, हैं कितने कितने बड़े बड़े राजाएं उनको नमस्कार करते थे, लेकिन जब आयु कर्म नष्ट हो रहा था तब कोई भी पास में नहीं था, जंगल में एक तीर के लगने पर ही प्राण निकल गए, हैं पानी पिलाने वाला भी नजदीक नहीं आया, प्यास लगी हुई थी, भाई को कहा जरा पानी लाओ, गला सूख रहा है, भाई गए पानी लेने के लिए, इधर जंगल में एक तीर लगा शिकारी का और उस तीर से प्राण निकल गए। तो कह रहे हैं कि कोई बचाने वाला कैसे हो सकता है, बड़े बड़े जो बचाने वाले हैं जब आयु कर्म आता है ना तो वो जाने कहाँ चले जाते, और जब आयु कर्म शेष है तो मारने वाले चारों ओर चक्कर क्यों ना काटे लेकिन तो भी जीव बच ही जाता है। एक बार बताया था ना आपको कि एक कबूतर बैठा था पेड़ के ऊपर, कबूतर बैठा था और ऊपर से बाज पक्षी आया कबूतर को झपट्टा मार के खाने के लिए, उसने देखा डर गया, फिर और देखा तो सामने एक शिकारी भी आ रहा था तो वो और डर गया कि अरे एक से बचूंगा तो दूसरा से मरूंगा, कुछ तो होएगा, तो मरने के तो चांस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक सांप निकला है जमीन में कहीं बिल में से, और उसने उस शिकारी के पैर में काट लिया सांप ने, तो सांप ने शिकारी के पैर में काट लिया तो शिकारी का निशाना चूक गया और निशाना चूक के कबूतर को ना लग के बाज को लग गया, तो ऊपर तो बाज मर गया, नीचे शिकारी मर गया और कबूतर बच गया। तो कहने का अर्थ यह है कि चारों ओर मौत चक्कर भी काटे लेकिन आयु कर्म शेष है कोई नहीं मार सकता। कोरोना कितना भी फैला लेकिन जिनका आयु उदय शेष है उनको कुछ नहीं हुआ, और जिनका आयु छह होना था उनको कोरोना न भी हुआ लेकिन कोरोना के नाम पर ही सही, किसी भी नाम से हो गया उनका आयु नाश। तो ये कह रहे हैं कि जो ये मानता है कि मैं जीवों को जिलाता हूँ या फिर दूसरे जीव मुझे जिलाते हैं, जीवित जामी है परे ही सत्य, दूसरे जीव तृतीय व्यक्ति परे यानी दूसरे सत्य माने जीव, दूसरे जीवों के द्वारा मैं बचाया जाता हूँ। सो मूडो और नानी, नानी एक तो दो विपरीत, यानी इससे विपरीत होता। अब इसका लॉजिक है, आवुदयेन जीवदी, आयु कर्म के उदय से जीव जीता है एवं भणंती सब वणु, ये बात सर्वज्ञ देव कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देखो, जब मुझे ये आपसे कोई बात कहनी हो पर हो सकता है कि कोई जीव मेरी बात सुने ना सुने, तो मैं क्या कहूंगा, ये तो उन्होंने कहिए था, किसी बड़े आदमी का नाम लूंगा तो फिर वो सुनने वाला अच्छा अच्छा ना फर्क पड़ता है। तो आचार्य कुंकुन कह रहे ये मेरी घर की बात नहीं कह रहा हूँ, सर्वज्ञ देव की बात है कि आयु ये क्या है, बड़ी दृढ़ता के साथ में बात कही जा रही है। आयु कर्म के उदय से जीव जीता है ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। आयुम चरण देशीम तुमम, और तुम आयु किसी को दे नहीं सकते, दे सकते हो जैसे माना कि कोई आदमी 100 साल की उम्र लेकर के पैदा हुआ है और अभी वो 100वें साल में चल रहा है, अब तुम चाहते हो कि मैं 1-2 साल इसकी उम्र बढ़ा दूं, तो क्या 1-2 साल की आयु उसको दे सकते हो क्या, क्या इतनी है तुम्हारे पास पावर है? जब तुम किसी को आयु दे ही नहीं सकते तो कैसे कदम यानी कैसे तय जीविदम कदम थे, कैसे तुम उनको बचा सकते हो, कैसे उनकी रक्षा कर सकते हो, आयु तुम दे ही नहीं सकते। 1 मिनट भी कोई किसी की आयु बढ़ा नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। कितने कितने औषध हो कितने कितने जो है सुरक्षा के साधन हो,
लेकिन कोई भी किसी को बचा नहीं सकता, आयु कर्म ही बचा सकता है। आवुदयन जीवदि जीवो एवं भणंती सब वण हूं, वही बात है। फिर कह रहे आऊं चण दंती तुमम, और तुम्हें भी कोई आयु नहीं दे सकता, तुम भी किसी को आयु नहीं दे सकते, ये ऊपर की गाथा थी। नीचे की गाथा में तुम्हें भी कोई आयु नहीं दे सकता, कह नु ते जीविदम कदम ते हिम, वे दूसरे जीव तुम्हें कैसे बचा सकते। देखो इन गाथाओं का भाव समझ लीजिए, ये कह रही हैं कि जब तक हमारे मन में, जब तक हमारी मान्यता में ये रहेगा कि ये जीव मुझे बचाता है, ये जीव मुझे कई बार पहले भी बचाया है और ये आगे बचा सकता है, इसके इसके पास पावर है, तो फिर क्या होगा, हम दीनहीन हो जाएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, हम उसके पैरों पड़ेंगे, हमारा स्वाभिमान पूरा गिर जाए। आचार्य कुंकुन कह रहे तुम स्वाभिमान क्यों गिराते हो, तुम्हें कौन मारता है, तुम क्यों किससे घबराते हो, ना तो तुम्हें कोई बचाएगा, तुम बिल्कुल डरो मत एकदम क्या क्या बात कह रहे, तुम बिल्कुल डरो मत, क्या गजब बात, किसी के तरफ मुंह ताकते मत बैठो, किसी की अपेक्षा रखो मत है। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने आप को ऐसा समझो कि तुम वो भी नहीं हो, कि तुम भी नहीं कर पाओगे किसी के लिए, तो तुम्हें घमंड भी मत लाओ, घमंड भी मत लाओ, यानी तुम भी किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो और ना ही कोई तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है, तो दीनता भी छोड़ दो, अभिमान भी छोड़ दो, भय भी छोड़ दो, आशा भी छोड़ दो। कैसी बैलेंस है, जोरदार बैलेंस है, ऊपर की तीन गाथाएं, नीचे की तीन गाथाएं, ऐसा हो गया जैसे इधर के तीन पर्वत और उधर के तीन पर्वत, छह पर्वत हो गए, हिमवान महाहिमवान निषद नील ऐसा क्योंकि तीन पर्वत के अपोजिट तीन है ना, तो तीन तीन गाथा छह गाथा हो गई। तो कहने का अर्थ यही है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्या है, भावों का खेल है, सब कुछ भावों से होता है। देखो मारना बचाना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी फल मिलता है वो मारने बचाने के भावों का मिलता है, समझ भाई। मारना बचाना तो एक निमित्त है, उस निमित्त प्रधान कथन से ही दुनिया ये चक्कर में न रह जाए कि मारने बचाने का, मारने से पाप और बचाने से पुण्य, ऐसा नहीं, मारने के भाव से पुण्य और बचाने के भाव से, सॉरी मारने के भाव से पाप और बचाने के भाव से पुण्य, ऐसा है पूरा मतलब इसका। वो आपने सुना ही है कि एक तंडुल मच्छ था, है ना, स्वयंभू रमण समुद्र में, बहुत फेमस उदाहरण है, कुछ ज्यादा ही फेमस उदाहरण है, खासकर भावों की महिमा बताने के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में है कितना, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इतना बड़ा एक महामच्छ रहता है, बहुत बड़ा महामच्छ, सबसे बड़ा वही है दुनिया में, पूरे तीन लोक में सबसे बड़ा शरीर यदि किसी का है तो उसका ही होता है। तो इतने बड़े महामच्छ के नाक मुंह कान वो कितने बड़े बड़े होंगे, उनमें तो पूरे के पूरे शहर के शहर बस जाए, उसके एक दांत के ऊपर तो पूरा का पूरा एक सिटी बस जाए, महानगर है, तो इतना बड़ा वो है। तो अब उसके कान में भी एक छोटा मगरमच्छ रहता है, तो कान भी बहुत बड़ा है उसका, उसमें एक छोटा मगरमच्छ रहता है, तो वो छोटा मगरमच्छ ये देखता है कि ये मगर बड़ा मगरमच्छ जब सोता है, हैं आंखें बंद करके सोता है, तो सोते सोते इसका मुंह खुला रह जाता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को गहरी नींद आती है ना, तो मुंह खुला रह जाता है, तो मुंह खुला रह जाता है, तो बहुत सारे जीव पानी की लहर से उसके मुंह में आते हैं, है ना, और फिर वो लहर के साथ में वापस चले जाते हैं। यदि उस दौरान यदि वो मुंह नींद खुल जाए और भाई लोग मुंह बंद करे, तो सारे जीव उसके मुंह में जितने आए थे सब उसके पेट में जा सकते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं जाते हैं क्योंकि वो सोया रहता है। तो वो छोटा मगरमच्छ ये देखता है तो उसको लगता है कैसा पागल है, कैसा मूर्ख है, इतने जीव इसके बिना प्रयास किए ही अपने आप बिना हाथ पैर मारे इसके मुंह में आ रहे हैं और ये उनको खाता नहीं है, कैसा बेवकूफ, यदि मैं इसकी जगह होता तो ऐसा सोचता है, और ऐसा सोचने मात्र से इतना जोरदार उसको पाप लगता है कि वो सातवें नरक जाता है। ध्यान देने की बात और है, मारा उसने एक भी जीव नहीं, खाया तो कुछ भी नहीं, एक भी जीव को नहीं खाया, लेकिन फिर भी केवल सोचने से ही इतना पाप उसे लगा है। बताओ जीवों की रक्षा करना नहीं करना ये तो बड़ी दूर की बात है, हम तो सिर्फ भाव करते हैं, और अगली और भी इससे भी बड़ी स्टेज पे जाएं तो भाव करना भी हमारे हाथ में कहाँ है, भाव करना भी हमारे हाथ में कहाँ है, यदि होते
तो आज ही हम कुछ ऐसे भाव कर लेते कि सब कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष ही चले जाते, लेकिन वो भी कहाँ हमारे हाथ में है, क्योंकि केवली के ज्ञान में जब हमारा मोक्ष होना होगा तभी होगा, है कि नहीं। वो थोड़ी सी क्रमबद्ध पर्याय की तरफ बात चली जाती है, वो थोड़ी सी और विचित्र बात है। उसमें भी एक लॉजिक सबसे बढ़िया जोरदार ये है कि 608 जीव भी मोक्ष जाते हैं, ना तो कम जाते हैं ना ज्यादा जाते हैं, एक जीव भी कम नहीं जाएगा, तो जो 607 भी नहीं जाएंगे और 609 भी नहीं जाएंगे, 608 ही जाएंगे। और उसमें भी एक और बात देखो, अभी तो केवल 20 तीर्थंकर हैं इस पृथ्वी लोक पे, मध्य लोक में 20 ही तीर्थंकर, मध्य लोक में मतलब पूरे ही मध्य लोक ले लिया मैंने, तो अपने भरत क्षेत्र में तो है ही नहीं जाने दो, लेकिन पूरे विदेह क्षेत्र भी ले लें 20 ही है, तो 20 होने के बाद भी 608 जाएंगे और 20 ज्यादा हो जाए, मान लो मैक्सिमम 170 ही हो जाए, तो क्या कुछ दो चार जीव ज्यादा मोक्ष जाने लगेंगे तो भी 608 ही जाएंगे। यानी इतने तीर्थंकरों की देशना हो तो भी 608 और इतने कम तीर्थंकरों की देशना हो तो भी 608। इसका मतलब है कि ये गणित जो है बहुत ही जबरदस्त है, अलौकिक गणित है, और हर जीव के परिणाम भी वास्तव में अपने हाथ में कहाँ है। ये जीव परिणाम करता है, परिणामों का फल लगता है, लेकिन परिणामों का फल इसलिए लगता है कि वो उपादान है, है ना, वो उपादान है, लेकिन जीवों की रक्षा करना और बचाना वो उपादान नहीं है, वो तो सिर्फ परद्रव्य की क्रिया है, और परद्रव्य में हमारा कुछ भी हाथ में नहीं है। परद्रव्य का परिणमन स्वयं उसकी योग्यता से होता है, स्वकाल में होता है, उसमें हम निमित्त बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, है ना। ये सिद्धांत है। देखो क्या है कि जो चार प्रकार की हिंसा है, संकल्पी है, उद्योगी है, आरंभी और विरोधी है, और चार प्रकार की भी है, तीन प्रकार की भी है, दो प्रकार की भी है। तीन प्रकार की गिनेंगे तो पहले मानसिक हिंसा है, फिर वाचसिक हिंसा है, फिर कायिक हिंसा है, और दो प्रकार की है तो कौन कौन सी है, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा है। तो अब देखो भाव हिंसा को एक नंबर पे रखा दो प्रकार की हिंसाओं में, और तीन प्रकार की हिंसा में मानसिक हिंसा को पहले नंबर पे रखा, और चार प्रकार की हिंसाओं में संकल्प हिंसा को पहले नंबर पे रखा, ठीक है। तो तीनों ही पहले नंबर की हिंसा, दो प्रकार की हिंसा में से पहली भाव हिंसा, तीन प्रकार की हिंसा में से पहली मानसिक हिंसा, है ना, क्या बोलते हैं, भाव हिंसा, मानसिक हिंसा, और चार प्रकार की हिंसा में पहली संकल्प हिंसा, ये तीनों पहली वाली है ना, यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि हिंसा की उत्पत्ति सबसे पहले हमारे भावों में होती है, हमारे मन में होती है, फिर बाद में वचनों में आती है, और भी बाद में फिर क्रिया में आती है, क्रिया में आए या न आए, है ना, लेकिन भावों में पहले आती है, भावों से फिर वचनों में आती है। वचन कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज पहले फैक्ट्री में बनेगी तभी तो मार्केट में आएगी, मार्केट में कहाँ से आएगी, पहले फैक्ट्री में बनेगी। तो हमारी जो फैक्ट्री क्या है, हमारा मन है, पहले हमारे जितने भी हिंसा अहिंसा के जो भी परिणाम है वो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो वो जो है सबसे महत्वपूर्ण है। देखो भावों हिंसा, अच्छा देखो हिंसा हमें लगता है हम हिंसा करते हैं, हम नहीं करते। यदि हमारे भावों में हिंसा है तो बाहर में अस्त्र शस्त्र ना भी होंगे तो भी हिंसा हो जाती। आजकल निशस्त्रीकरण की डिजार्मामेंट होता है, डिजार्मामेंट निशस्त्रीकरण, उसकी बहुत बातें हैं कि ये देश जो है, एक देश दूसरे देश से बहुत डरता है, घबराता है, है अभी रूस-रशिया का युद्ध क्या है, तो वो सब ऐसे युद्ध होते हैं देशों के बीच में, तो चारों ओर अहिंसा की बातें है, विश्व शांति की बातें होने लगती है, और लोग कहते हैं निशस्त्रीकरण को अपनाओ, शस्त्रों को बनाना बंद करो, अणुबम बनाना बंद करो, है ना। लेकिन वास्तव में ये शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं भी बनाओगे आप, ठीक है, मान ला कि बंद कर दिया आपने, लेकिन मन में हिंसा अभी शेष है तो बिना शस्त्र के भी हिंसा होने लगेगी, तब शस्त्र कुछ भी चीज बन सकती है। कैसे, देखो एग्जाम्पल, एक बार बताया होगा पहले कभी कि वो अकबर ने पूछा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है बीरबल को, तो बीरबल ने कहा ठीक है वक्त आने पे बताता हूँ। रोज शाम को घूमने जाते थे, एक दिन जब वो दूर तक चले गए जंगल में घूमते घूमते, तो एक जंगली हाथी उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा था, तो घबरा गए अकबर साहब कि क्या करे, सोचा नहीं था ना कि हाथी आ जाएगा, लेकिन वहीं पास में कोई एक छोटा जंगली जानवर जा रहा था, है तो उसको पकड़ा, उठाया और उठा के ऐसा घुमा के हाथी के ऊपर फेंक दिया, तो हाथी को जो चोट लगी तो वो चला गया उधर से, घूम गया, रास्ता बदल दिया,
तो कहने का अर्थ वहां कोई उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन मन में ही शस्त्र जन्मते हैं। शस्त्र किसी आयुधशाला में नहीं बनते हैं, कोई शस्त्रागार कोई फैक्ट्री हो जिसमें बनते हो तलवार हथगोले कुछ ना कुछ भाले, अरे ये मन में ही बनते हैं। पहले मन में बनते हैं उसके बाद फैक्ट्री में बनते हैं। ताजमहल पहले कहाँ बना था? धरती पे की मन में, पहले मन में बना था। एक मूर्तिकार होता है, वो मूर्तिकार पत्थर में से मूर्ति पहले अपने मन में देख लेता है, उसके मन में एक मूर्ति दिखने लगती है पत्थर की शिला में, तब वो मूर्ति बना पाता है। यदि पहले मूर्ति नहीं देख पाए तो वो मूर्ति नहीं बना सकता। तो पहले हमारे मन से शुरुआत होती है। तो यहाँ आचार्य कुनकुन भी ये कह रहे हैं कि हमारे मन में जो परिणाम है उनका फल है, क्रिया का फल नहीं है। मारने बचाने वाले हम होते नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। सुख दुख जीवन मरण ये सब कोई किसी का दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। ये सब नॉन ट्रांसफरेबल है, अहस्तांतरणीय है, एक दूसरे को दे ही नहीं सकता। मान लो पति पत्नी में बहुत प्रेम हो है और मरने जैसी स्थिति हो है, और ऐसी स्थिति हो कि भाई तू बच जा, एक जने को मरना पड़ेगा है, तो वो कुछ नहीं हो सकता है। जिसकी आयु शेष होगी वही बचेगा है। ये टीवी सीरियलों में फिल्मों में जो चीजें दिखाते हैं ना, वो एकदम नहीं रहती बात। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि जो क्या बोलते हैं कि हम किसी को आयु दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, हम जीवों की रक्षा कर नहीं सकते और ना ही जीवों को मार सकते हैं। तो मारने बचाने का पाप पुण्य का किस्सा उधर ही खत्म हो गया। आज तक हम सोच रहे थे हम बचाते हैं इसलिए पुण्य मिल रहा है, बचाते इसलिए नहीं मिल रहा है, बचाने के भाव करते हैं इसलिए, है ना। तो मारना बचाना तो किसी के हाथ में नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत आएगी। देखो वो एक कहानी और आई थी कि वो सोमा सती थी, तो वो सोमा सती बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मंदिर जाती थी, घंटों पूजा करती थी। तो उसकी सास बड़ी परेशान होती थी कि मैं तो बहू लाई थी कि वो घर में कुछ काम करेगी है, मेरा हाथ बटाएगी, और ये तो मंदिर में बैठी रहती है दिन भर है। तो उसको बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा आता था, वो परेशान करती थी, उल्टा सीधा सुनाती थी, वो नहीं मानती थी वो तो खूब। तो उसने कहा चलो इसको सबक सिखाएंगे। तो वो एक सपेरा आया, सपेरा आया तो उससे एक सांप सर्प नाग नाग को एक मटके के अंदर रख दिया, मटके के अंदर रख दिया और मटके के ऊपर एक बर्तन से ढक दिया। और जब वो सोमा मंदिर से लौटी तो उससे कहा देख तेरे लिए हार लायूं, हार उस घड़े में रख दिया है, निकाल के पहन लेना है। और वो सोमा जब उसमें हाथ डालती है तो हार की सच में ही हार निकलता है, नाग नहीं निकलता, हार निकलता है, नाग का हार हो जाता है। है कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन कथा है कि वो हार निकलता है। और इस बात को जब उसकी सास देखती तो वो चक्कर पड़ जाती है, ये क्या हुआ, मैंने तो इसमें नाग रखा था, ये हार कैसे हो गया, ला ला दिखा दिखा मेरे को, ये क्या है, कैसा है, देखती हूं मैं। तो उसके हाथों में मतलब सोमा के हाथ से अपने हाथ में लिया हार को, तो हार को जैसे ही अपने हाथ में लिया तो हार का नाग बन गया। लो इधर नाग का हार बन गया, इधर हार का नाग बन गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब खेल हैं, कोई किसी को मारना बचाना कुछ नहीं। तलवार मार, पुराणों में ऐसे ऐसे किस्से हैं कि किसी ने किसी के ऊपर तलवार उठाई, लेकिन तलवार उठाई तो तलवार माला बन गई, गले में माला की माला पहना दी, चाहा तो था मारना और हो गया सम्मान, माला पहना दी। ऐसे ऐसे किस्से हैं। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसे बहुत किस्से हैं, एक किस्सा और बता देता हूँ चलो शॉर्ट में। एक जो है यमपाल चांडाल था, एक राज्य में एक चांडाल था, उसका नाम था यमपाल। उसकी ड्यूटी थी कि राज्य में जब भी किसी को फांसी की सजा दी जाए तो उसको फांसी चढ़ाने का काम उसका था, चांडाल था, फांसी चढ़ाने का काम। तो अब वो यमपाल चांडाल बहुत ही, उसकी तो आजीविका इतनी जबरदस्त, क्या बताएं, हिंसा की आजीविका थी। तो वो अपने आप को बहुत कोसता था कि पता नहीं मैंने कैसे पाप किए जो ये वाली आजीविका मिली है। लेकिन फिर भी बहुत उसके मन में ये था कि पता नहीं मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। एक दिन कोई मंदिर में मुनि महाराज आए तो वो मुनि महाराज सबको नियम दिला रहे थे। तो यमपाल चांडाल ने कहा भाई मैं तो बहुत पापी हूँ,
है, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं क्या नियम ले हूं? तो महाराज ने कहा क्यों, क्या पाप है? कि मेरा तो ये काम, मैं तो लोगों को जो है फांसी पे चढ़ाने की, मेरी तो यही धंधा है, है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू किसी एक दिन का नियम ले ले कि मैं उस दिन फांसी नहीं दूं। नियम, छोटे छोटे नियम भी जीवन में बहुत परिवर्तन कर देते हैं, छोटे छोटे नियम। ठीक है, चतुर्दशी के दिन फांसी जो है नहीं चढ़ाना, तू ठीक है चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं चढ़ाऊंगा, बाकी दिन तो है ना, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ कि बाइलक, वो कहानी तो लंबी है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि फिर क्या हुआ कि बाइलक जो है एक जन को फांसी लगी। एक जन में कौन था? वो राजा का बेटा ही था। अपराध तो कोई भी करे, अपना आदमी हो चाहे दूसरे आदमी, नियम तो सबके लिए बराबर होते ना। तो राजा ने अपने ही पुत्र को, राजकुमार को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया, और वो चतुर्दशी का ही दिन था, चतुर्दशी का ही दिन था। अब वो यमपाल चंडाल को पता लगी, अरे मैं तो फंस गया आज, मेरा तो नियम है आज तो मैं फांसी नहीं दे सकता। फिर क्या हुआ कि वो घर में जाके छुप गया, छुप गया। तो वो जब बुलावा आया, कोतवाल वगैरह जो आए हैं वहां से, तो उन्होंने कहा भाई यमपाल कहाँ है? उसकी पत्नी थी घर पे, उससे पूछा यमपाल कहाँ है? तो उसने अंदर से मना कर दिया कि बोल देना मैं नहीं हूँ। तो उसने कहा वो तो नहीं है यहाँ, कहीं बाहर गए। अरे कर्म फूट गए उसके, आज तो बहुत बढ़िया काम होना था, राजकुमार को फांसी लगनी थी, राजकुमार के शरीर पर सुंदर सुंदर आभूषण है, सोने की जो है गले में जो है क्या बोलते हैं माला है और मुकुट है, वो सब इतना गोल्ड की चीजें उसको आज मिलने वाली थी, उसका तो बहुत अच्छा था। पता नहीं आज के दिन ही कहाँ चला गया वो, बड़ा अभागा है भाई, ऐसा बोला। इस बोलते हुए उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया, तो उसने इशारे से कहा उधर है, ऐसा कहा बोला तो नहीं लेकिन इशारा कर दिया, इशारा कर दिया। तो वो लोग पकड़ के ले गए, उसको पकड़ के ले गए। तो राजा ने कहा फांसी लगानी है, तो वहां जोड़ के मैं महाराज आज के दिन माफ कर दो, मेरा आज का नियम है मैं कल दे दूंगा फांसी, आज नहीं दे सकता। तो तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, ये हमारा आदेश है, तुमको करना ही पड़ेगा। उनका मैं तो नहीं कर सकता आज के दिन, तो कि चलो इन दोनों को जो है समुद्र में फेंक दो, मगरमच्छ खा जाएंगे, सब पता लग जाएगा, है समुद्र में फेंक दो दोनों को। दोनों को समुद्र में फेंकवा दिया, है दोनों को समुद्र में फेंकवा दिया। जिसको सजा मिलनी थी उसको तो मिल गई, लेकिन इसको तो देव लोगों ने आकर के सिंहासन पर विराजमान कर दिया, समुद्र के बीच में ही, अधर में ही। गजब हो गया, जय जयकार हो गई, चारों ओर जय जयकार हो गई। लोगों ने कहा कि ये गजब है, छोटे छोटे नियम लेकर के जीवन में ऐसा हो जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई किसी को क्या मार सकता है? उस यमपाल चांडल को राजा भी नहीं मार पाया, बताओ मार पाया क्या? नहीं मार पाया। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। मेरा देखो ऐसे ही अगली गाथाएं आएंगी ना, वो अगली गाथाएं ये कहेंगी कि कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। तुम क्यों कैसे किसी के पास गड़गड़ाते हो कि तुम मुझे सुखी कर दे? है कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, तुम भीख क्यों मांगते हो? ऐसे ऐसी बातें आएंगी, सारी सारी बातें जो है हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हर रोज की जीवन में ही घटित होती है ये ऐसी ऐसी बातें, एकदम सरल बात है एकदम। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखो ये बंद अधिकार है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ बंद की क्या बात आई? बंद की ये बात आई ना कि जीव हिंसा से और अहिंसा से, दोनों से ही बंद नहीं, ना तो हिंसा से पाप बंद है ना अहिंसा से पुण्य बंद। तो बंद किससे है? कि बंद मान्यता से है, क्रिया से बंद नहीं है, मान्यता से है। मिथ्या अधिवसान वही बंद का कारण है, इसलिए मिथ्या अधिवसान छोड़ दो, जीव को ये रक्षा करना नहीं करना वो तो बाद की बात, ये बात बताएं। ठीक है, तो इस तरह से आज की बात को तो यही विराम दे देते हैं। ठीक है, शेष चर्चा फिर करेंगे। ठीक, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये चैप्टर का एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है ना कि अगर हम माने कि कोई हमारा अच्छा नहीं करेगा तो राग का थोड़ा कम हो जाता है, और अगर हम माने कि कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता है तो द्वेष का एलिमेंट भी कम हो जाता है। बहुत बढ़िया, समझिए बराबर, हमारा राग भी कम होगा, हमारा द्वेष भी कम होगा, यानी धीरे धीरे हमको थोड़ी थोड़ी राग द्वेष कम करने की शिक्षा भी मिलती है इधर से, क्योंकि राग में थोड़ा एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन रहता ही है और द्वेष में थोड़ा एलिमेंट ऑफ फियर भी रहता है। अगर हम ये मान चले तो राग द्वेष भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एकदम करेक्ट कहा आपने, एकदम सच, ऐसा ही है, ऐसा ही है। धीरे धीरे हमें राग द्वेष कम करने की विधि सिखाई जा रही है, एकदम
बिल्कुल सही है। हाँ जी थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, ठीक है।